वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मॉड्यूल 6 यानी एनालिसिस ऑफ ट्रस आपके सामने लेके आया हूँ। सो देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन किस तरह से एनालिसिस ऑफ ट्रस से बन सकते हैं और ट्रस का हम कुछ मेथड्स देखेंगे और जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, संतोष सती, अनिल सिंह नेगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। सुमित जोशी, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आवाज़ क्लियर है? आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ओके, सो नाउ हमारे पास जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर वर्ड आया है एनालिसिस। क्या आया है? एनालिसिस। सो एनालिसिस माने क्या होता है कि अगर मैं किसी भी मेंबर में, कोई भी मेंबर हो, अब ये मेंबर क्या हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस स्ट्रक्चरल मेंबर में अगर हम जो आपके इंटरनल फोर्सेस हैं, जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, उनको क्या करना, डिटरमाइन करना। और जो भी इंटरनल फोर्सेस को आपने डिटरमाइन किया, उसको एक डायग्राम के रूप में प्लॉट करना है। किसके रूप में प्लॉट करना है? एक ग्राफिकल मैनर में, एक डायग्राम के रूप में आपका रिप्रेजेंट करना आपका क्या कहलाता है? एनालिसिस। सो इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो कहाँ पर नज़र आते हैं? सबको पता है कहाँ पर नज़र आते हैं? सेक्शन पे। तो हम क्या करते हैं, हर सेक्शन पे अगर जो भी, जैसे मान लो बीम है, बीम की एनालिसिस आपने बोलना है, तो बीम के एनालिसिस मीन्स बीम में इंटरनल फोर्स क्या होते हैं? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिटरमाइन करेंगे और उनका डायग्राम बनेंगे, जैसे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारे पास जो मेंबर है आज, वो मेंबर कौन सा है? द मेंबर इज ट्रस। मेंबर कौन सा है आपका? ट्रस। तो ट्रस, आप सब लोगों ने देखा होगा कि ट्रस होता क्या है। ट्रस होता क्या है आपको पता है? ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर आर कनेक्टेड इन ए ट्रायंगुलर पैटर्न। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में बहुत सारे मेंबर आपके कनेक्टेड होते हैं बाय सम पिन और सम मींस की बियरिंग। तो जो आपका ये मेंबर बनता है, इसको ट्रस। आपने बहुत जगह देखा होगा ट्रस, कहाँ? लाइक आपने ब्रिजेज में देखा होगा, जो आपके ट्रस ब्रिजेज होते हैं। आपने बहुत बार मींस की रूफ में देखा होगा, कहीं कहीं पर बहुत सारे जैसे ऑडिटोरियम होते हैं या आपके स्टेडियम होते हैं, मेट्रो स्टेशन में ट्रस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपने बहुत बार आपका देखा होगा कि किस तरह से जैसे टावर होता है, ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर मींस जैसे आपके जो BSNL का टावर है या आपका सपोज कोई एयरटेल का टावर है, जियो का टावर है, ये जो टावर है, ये जो इनके मेंबर होते हैं, एक ट्रस नुमा शेप में रहते हैं। अब आपका ट्रस होता क्या है, इसके बारे में देखें। जो इसमें इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं, जो इंटरनल फोर्स, देखें अगर हम इस ट्रस मेंबर की बात करें, तो इस मेंबर में जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं आपके डायरेक्ट टेंशन एंड और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन यानी कि इसका मींस जो भी ट्रस के जो मेंबर होंगे, जो भी ट्रस के आपके मेंबर होंगे, उन मेंबर में क्या डेवलप हो रहा है? या तो डायरेक्ट टेंशन डेवलप होता है या क्या डेवलप होता है? डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। यानी कि जब भी किसी भी मेंबर में कुछ फोर्स आता है, तो उन मेंबर में क्या डेवलप होता है? इंटरनल फोर्स। अब हमारे पास एनालिसिस मींस हमें यह करना है कि जब सबसे पहले मैं पता करूंगा कि इसमें कैसा इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है। सो ट्रस में जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, वो होता है या तो डायरेक्ट टेंशन या क्या डेवलप होता है? डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, जितने लोग भी हैं, कुलवीर, विशाल कुमार, सूरज टमटा, मनोज पंत, टंगड़िया, डोवरियाल। ओके, सो डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कॉम्प्रेशन अब क्यों डेवलप होता है? क्योंकि आपके इस ट्रस में क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स डेवलप होते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स डेवलप होता है, इसके लिए भी इस ट्रस में जब हम एज्यूम करते हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन देखें। ये तो क्या है, इसमें इंटरनल फोर्स ट्रस में। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, जो आपका इस ट्रस में लगने वाला है,
वो हमेशा क्या लगने वाला है, जनरली आपका पॉइंट लोड, क्या लगने वाला है, पॉइंट लोड, वो भी कहां पे, एट दी जॉइंट, कहां पर लगने वाला है, एट दी जॉइंट। जॉइंट आपको पता है क्या होता है, जॉइंट क्या है, मैंने अभी बताया ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें मोर देन टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय पिंस। तो जो भी ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स जब आपके कनेक्टेड हो रहे हैं तो इन मेंबर का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उस कनेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो जो आपका लोड है वो लोड कहां पर लगने वाला है आपका, एट द जॉइंट, कहां पर लगने वाला है, जॉइंट पे। दूसरा चीज आप ये ध्यान रखें कि जो आपका इसका सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट होगा मेंबर का, सेल्फ वेट ऑफ मेंबर इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। यानी कि आप क्या करेंगे, कैसे आपका डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन क्यों डेवलप होता है, इसका रीजन बता रहा हूं। क्या रीजन है, एक तो जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स है वो कहां पर लगता है, पॉइंट लोड पे। और जो ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, पिन जॉइंट, कैसा जॉइंट होता है, पिन जॉइंट। अब पिन जॉइंट की क्या कंडीशन होती है कि जो पिन जॉइंट होता है ये आपका मूवमेंट कैरी नहीं कर पाता है, यानी कि मूवमेंट कैरी नहीं कर पाता है, दैट मीन्स बेंडिंग मूवमेंट यहां पर क्या हो जाता है, जीरो। बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो। अब देखें, ये मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैंने बोला सबसे पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ट्रस। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, किसी भी मेंबर में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा इंटरनल फोर्सेस आपके डेवलप हो रहे हैं, उन इंटरनल फोर्सेस को हर सेक्शन में डिटरमाइन करना। और जब आप डिटरमाइन कर लें, डिटरमाइन करने के बाद उसको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, एनालिसिस। साथ ही एनालिसिस में और भी बहुत सारी चीज आ जाएंगी कि क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, उसके हिसाब से हमें क्या पता चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी डेवलप होगा, और सबसे पहले फेल होने का खतरा किसको है, उस क्रिटिकल सेक्शन को है। इसका मतलब होता है एनालिसिस। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हमें डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन कैसे, मींस उस मेंबर का मटेरियल चूज करना, उस मेंबर के लिए आपका एक क्रॉस सेक्शन चूज करना, ताकि वह जो ये एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं उनको क्या कर सके, झेल सके। इसलिए इस एनालिसिस का महत्व हो जाता है। अब हमने बोला कि जो ट्रस है, इस ट्रस मेंबर में कौन सा इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, या तो डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। रीजन क्यों डायरेक्ट टेंशन और क्यों डायरेक्ट कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स डेवलप हो रहा है, एक तो पॉइंट लोड डेवलप होता है, और वो भी कहां पे, जॉइंट पे। और जॉइंट कैसे होता है, पिन जॉइंट। पिन जॉइंट होने के कारण आपका बेंडिंग मूवमेंट तो एक तो क्या हो जाता है, जीरो। दूसरा कंडीशन हम एज्यूम करते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ मेंबर इज नेग्लिजिबल। अगर हमने सेल्फ वेट को कंसिडर कर लिया, दैट मीन्स वो जो सेल्फ वेट होगा एज ए यूडीएल कैरी करेगा उसका खुद का लोड, जिसके कारण इट मे टेक बेंडिंग। So, ये आपका ट्रस का इंट्रोडक्शन था, क्लियर हो गया। सो ट्रस इज ए, तो अब देख लेते हैं जो ये डायरेक्ट टेंशन ले जाता है, जब भी कोई मेंबर डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन ले जाता है, जब भी कोई मेंबर डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन ले जाता है, तो उस मेंबर को कौन सा मेंबर बोल देते हैं, एक्सियल मेंबर। कौन सा मेंबर बोल देते हैं, ध्यान दें, जब भी किसी भी मेंबर में डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन आता है तो उस मेंबर को क्या बोल देते हैं, एक्सियल मेंबर। यानी कि इसके जो मेंबर है वो क्या कहलाएंगे आपके, या तो आपके बार कहलाएंगे, या क्या कहलाएंगे, रॉड, बार, रॉड। और मे बी समटाइम्स एंगल सेक्शंस भी यूज हो सकते हैं, क्या भी यूज हो सकते हैं, आपने एंगल सेक्शन सुना है ना स्टील स्ट्रक्चर में, एंगल सेक्शन भी यूज हो सकते हैं। तो बार, रॉड, ठीक है, जैसे आप बार को कैसे यूज करते हैं, आई एस एस क्यू, सपोज आई एस एस क्यू 10, सुना है आई एस एस क्यू 10 स्टील में, आई एस एस क्यू 10 मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन ऑफ 10 mm, इंटू 10 mm का एक क्या है, स्क्वायर सेक्शन। ये इस टाइप का मेंबर हम यूज करते हैं, यानी कि बार यूज करेंगे इस, जो ये ट्रस के मेंबर होंगे, या मे बी आई एस आर ओ, आई एस आर ओ 20,
ISRO means Indian Standard Rounded Bar of 20 mm size. तो इस टाइप के मेंबर आपके लिए इसके इसको यूज होते हैं ट्रस्ट के लिए. क्लियर हो गया. और कैसे मेंबर होते हैं, एक्जियल मेंबर. अब जो मेंबर डायरेक्ट टेंशन ले जाते हैं, ये जो भी एक्जियल मेंबर डायरेक्ट टेंशन ले जाते हैं, इन मेंबर को एक नाम और बोल देते हैं, टाई मेंबर. क्या बोल देते हैं, टाई मेंबर. और जो मेंबर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन ले जाते हैं, इन मेंबर को क्या बोल देते हैं आपका, STRUT, स्ट्रट मेंबर. सो इतना अगर आपको इंट्रोडक्शन में, ट्रस के इंट्रोडक्शन में इतने पॉइंट अगर समझ आए हैं, तो एक बार यस सर बोल दें, फिर हम आगे इसकी एनालिसिस में जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं. ये इसका इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. क्लियर है, सबको क्लियर है. पहाड़ी प्रो दीपक नेगी, ओके. सो अगर सबको क्लियर है तो एक बार मुझे यस सर बोल दें सब. जितेंद्र सिंह, यस सर, यस सर. जितेंद्र सिंह क्लियर है ना, ओके. इतने पॉइंट सबको, इस इतने पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं. क्लियर है, ओके. मंजूरियल, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. तो ट्रस्ट के मेंबर इस तरह से आपके यूज होंगे. नाउ हम देखते हैं कि अब इस ट्रस्ट में और क्या क्या अब आपके ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो पॉइंट ये है कि जो ट्रस्ट है, वैसे तो आपको पता है बहुत टाइप के आपने ट्रस्ट सुने होंगे, जैसे किंग. हम उसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो स्टील स्ट्रक्चर में देखा होगा आपने, जैसे किंग पोस्ट ट्रस्ट होता है ना, किंग पोस्ट ट्रस्ट. अलग अलग टाइप के ट्रस्ट होते हैं, एक होता है प्राट ट्रस्ट, एक होता है ऐसे फिंक ट्रस्ट, होते हैं अलग अलग फिंक ट्रस्ट, कभी एक होता है हाउ ट्रस्ट. तो ये इसकी स्टडी आप करेंगे इन स्टील स्ट्रक्चर. अलग अलग टाइप के होते हैं, हाउ ट्रस, फिंक ट्रस, इस टाइप के मीन्स की अलग अलग, इसके बारे में आप मीन्स की आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इस टाइप का कुछ इस तरह से आपके फिंक ट्रस होता है, ऐसी कुछ प्राट ट्रस होता है, ऐसी किंग पोस्ट ट्रस. किंग पोस्ट ट्रस कुछ नहीं होता, इस तरह से के टाइप का रहता है, ये के टाइप का. फिर इस तरह से ये के टाइप का, इसके जो मेंबर होंगे ये इस तरह से, ये इस तरह से रहता है. ऐसी आपका वो प्राट ट्रस रहता है, ऐसी हाउ ट्रस रहता है, ठीक है, इस तरह से. कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है ये, इस तरह से. तो अलग अलग टाइप के ट्रस होते हैं, आपको मीन्स की इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए. कभी कभी पूछ जाती है हाउ ट्रस कौन सा होता है, इस तरह से डायग्राम बना देगा. पर हम अभी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से ट्रस की बात. तो ट्रस की अगर हम बात करें, अब आपको ट्रस का डायग्राम अभी तक तो बनाया नहीं मैंने, अब डायग्राम बनाते हैं ट्रस का. तो अब देखते हैं ट्रस होता कैसा है, जो भी हमने नॉलेज अभी तक पढ़ी उसको हम ध्यान से अब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए. सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस. टाइप्स ऑफ ट्रस, तो टाइप्स ऑफ ट्रस में सबसे पहला ट्रस हम आपके बता रहे हैं, दैट इज परफेक्ट ट्रस. क्या बता रहे हैं, परफेक्ट ट्रस. परफेक्ट ट्रस होने का मींस क्या होता है, ऐसा ट्रस जो कि आपका स्टेबल भी हो, जिसकी बेसिक यूनिट क्या हो, ट्रायंगल. बेसिक यूनिट होने का मींस बहुत सारे छोटे छोटे, जो ट्रस की बेसिक यूनिट होती है ये पूछा गया है, कैसी होती है, ट्रायंगल, ठीक है. तो इस टाइप जिसकी बेसिक यूनिट ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल को बोला जाता है सिंपल ट्रस. क्या बोला जाता है आपका, सिंपल ट्रस, ठीक है. तो दूसरा आपका ये क्या भी हो, आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो. सबको पता होगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या होते हैं, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कर दें, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं. तो परफेक्ट ट्रस एक तो स्टेबल होता है, बेसिक यूनिट ट्रायंगल होती है, और क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर.
अब कैसे पता चलता है कि ये स्टेबल है और ये डिटर्मिनेट है, इसके लिए एक आपका क्या होती है इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होती है, अगर m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 को सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो तब आपका ट्रस्ट क्या होता है, परफेक्ट ट्रस्ट, जहां पर m जो है, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर इन ट्रस्ट, जो मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर है ट्रस्ट में वो m है, और ये जो j है ये क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट। अब ये देखें, मैं इस पूरे ये फॉर्मूला बना कैसे होगा इसको मैं आप बताता हूं, स्टेबल और डिटर्मिनेट कैसे हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इस ट्रस का एक एग्जांपल, सबको क्लियर हो गया, स्टेबल है बेसिक यूनिट m इक्वल टू 2j माइनस 3। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं कि कैसे परफेक्ट ट्रस होता है। अब ट्रस है क्या, सबको पता है ट्रस क्या है, जिसमें बहुत सारे मेंबर इस तरह से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस इज ए ट्रस। सबसे पहले देखें इस ट्रस में, ये जो ट्रस मेंबर है ये हमेशा कैसा होता है, इनमें पिन कनेक्शन होता है, कैसा कनेक्शन होता है, पिन कनेक्शन। अब पिन कनेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला एक मैंने एंगल सेक्शन लिया या एक राउंडेड बार लिया, सपोज दिस इज आई एस एस क्यू 10, ISSIRO 10, दूसरा लिया मैंने इस तरह से, सपोज इस तरह से जुड़ा, और इस ये ले लिया मैंने ISRO 15, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड राउंडेड बार 10, इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या लगती है, इस तरह से इनको जोड़ने के लिए एक लगाई जाती है स्टील स्ट्रक्चर में, गैसेट प्लेट। जनरली स्टील कैसा स्ट्रक्चर है, जनरली वैसे तो आप ऊट का भी किसी पर, जनरली कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रस इज ए स्टील स्ट्रक्चर, इस तरह से गसेट प्लेट लगाते हैं। अब ये गसेट प्लेट को इस तरह से हम क्या कर देते हैं, पिन के द्वारा जोड़ देते हैं। अब आपको पता है पिन कनेक्शन क्या होता है, आइदर रिवेट और आइदर बोल्ट, इस तरह से हमने जोड़ दिया, तो ये जो आपका बना इस कंपोनेंट, इसको क्या बोला जाता है, एक जॉइंट। अब हम इसको हर बार तो ऐसे डायग्राम में दिखा नहीं सकते हैं, तो ये जॉइंट को इस तरह से दिखाया गया है, ओके। सो अब क्या है, जो ये जॉइंट है, अब ये जो मेंबर है, पहली चीज तो मैंने बताया था कि जो लोड लगने वाला है, कोई भी पॉइंट लोड या कुछ भी लगने वाला है, वो कहां पर लगने वाला है, ऑलवेज एट द जॉइंट, यानी कि मैंने बोला कभी भी इस तरह से इसके सेंटर में नहीं लगेगा। अगर सेंटर में लगेगा तो ये मेंबर इस तरह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और उसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा, जिसकी एनालिसिस बहुत मुश्किल है। तो हम ट्रस को डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि इट विल टेक केयर पॉइंट लोड एट द जॉइंट्स। सो नाउ हम क्या करेंगे, अब हमें पता करना है परफेक्ट ट्रस है नहीं है। मेंबर क्या होता है, एक जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक के जो आपका मेंबर होता है, मेंबर क्या होता है, दो जॉइंट के बीच में कनेक्टिंग जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, मेंबर। अब कितने मेंबर हैं इसमें, मेंबर को मैं दिखा देता हूं, ग्रीन से टिक कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने मेंबर हैं, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर, जो m आ गया इसका, दैट इज m इज 13, क्लियर हो गया। नाउ दूसरा चीज देखें, जो नंबर ऑफ जॉइंट है, नंबर ऑफ जॉइंट को मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, ठीक है, एक जॉइंट, दो जॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट इक्वल टू 8। अब हम इक्वेशन में रखते हैं m इक्वल टू 2j माइनस 3, तो m तो कितना है 13, 2j माइनस 3 करेंगे तो 2 इंटू 8 माइनस 3, 28 का 16 माइनस 3 13, दैट इज 13 इक्वल टू 13, दैट मीन्स दिस ट्रस इज स्टेबल एज वेल एज डिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। तो स्टेबल और डिटर्मिनेट होने के कारण आपका इस ट्रस को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रस। स्टेबल ट्रस क्यों है, स्टेबल ट्रस होने का मीन्स क्या होता है, ऐसा ट्रस अगर इसमें जो ये पॉइंट लोड लग रहे हैं ये इस तरह से क्या ना हो आपका, दैट इज डिफ्लेक्ट ना हो, तो उस टाइप के ट्रस को हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस।
अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि m इक्वल टू 2j माइनस 3 कैसे आया, m इक्वल टू 2j माइनस 3। अब मेरा पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जरा एक बार क्वेश्चन में कमेंट करके दें, व्हाट आर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, व्हाट आर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं कोई बताएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक बार एक्सप्लेन करके दें, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं कोई बताएगा, अननोन आर इक्वल और लेस देन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सुमित जोशी, बिल्कुल सही। सो अगर आपके जो नंबर ऑफ अननोन है, सुमित जोशी कह रहे हैं जो नंबर ऑफ अननोन है विच आर इक्वल और लेस देन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बताइए इसमें अननोन कितने हैं, देखें इसमें जो अननोन है वो अननोन है आपके कितने, देखें यहीं से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र सिंह भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन नोन अबाउट द इक्वल और लेस, बिल्कुल। तो अननोन क्या है, एक तो होती है आपकी सपोर्ट रिएक्शन, एक क्या होती है सपोर्ट रिएक्शन, ये सपोर्ट रिएक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल अननोन, क्या बोला जाता है एक्सटर्नल अननोन, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटरनल फोर्स, क्या होते हैं इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स क्या है इसमें, दैट इज एक्सियल फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रस में, इस ट्रस में कितने नंबर ऑफ, काजल अवत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काजल, अब मेरा क्वेश्चन है आपका कि अगर इस ट्रस में मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हैं, कोई बता सकता है इस ट्रस में नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस कितने हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हैं। ओके सो ये ट्रस है और इस ट्रस में अब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि m इक्वल टू 2j माइनस 3 का माजरा क्या है, m इक्वल टू 2j माइनस 3 आया कहां से, ये है क्यों, बना है तो बना क्यों है, इसी चीज पर आपका सारा चैप्टर डिपेंड है, m इक्वल टू 2j माइनस 3 पे। तो मेरे को बताइए नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हैं, कोई बताएगा नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन दिस ट्रस, बहुत दो, जितेंद्र सिंह दो बोल रहे हैं, आंसर आए हैं और भी आंसर लोग देते रहे, अगर जो मेरे को सुन पा रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने हैं इसमें, दो बोल रहे हैं, जीरो, हरेंद्र कंडारी जीरो, बहुत बढ़िया, और भी देते रहे, एक दो लोग और आंसर दें, बहुत मजा आ रहा है ऐसे आंसर सुन के। और कोई आंसर देना चाहेगा, मैं सही आंसर का इंतजार कर रहा हूं। चलो देखते हैं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या है, मैंने बताया क्या करना पड़ता है एनालिसिस में, क्या होता है इन मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मेंबर क्या है, मान लो सब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जॉइंट है, मेंबर क्या है 1 2 1 8 2 8 2 7 8 7 7 6 6 5 5 4, ये सारे मेंबर ही तो है, इन मेंबर में तो फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जितने मेंबर होंगे उतने मेंबर में तो फोर्स, आपको बोल दिया फोर्स इसमें बताओ, फोर्स इसमें बताओ, आपको पता है क्या, आप लोगों को इसमें फोर्स पता है, नहीं पता ना, तो अननोन ही तो है ये, कहां पता है हमें, कुछ भी नहीं पता अभी, ये जो मेंबर है। तो जितने नंबर इंटरनल फोर्सेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ मेंबर। मैं बोल दूं ये एक ट्रस दे दिया मैंने, सपोज दिस इज ए कैंटिलीवर ट्रस लाइक दिस, ए बी सी डी ई, कुछ भी फोर्सेस लग रहे हैं इसमें इस तरह से। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये फोर्स सी बी पता है, नहीं पता, एक अननोन, सी डी नहीं पता, दो अननोन, डी बी नहीं पता, तीन अननोन, बी ए नहीं पता, चार अननोन, डी ए नहीं पता, पांच छ, तो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, 6 अननोन। तो जितने मेंबर होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चन पूछा गया है
कि किसी एक ट्रस्ट में नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने होते हैं, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मेंबर के बराबर। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को निकालने के लिए जो आपकी इक्वेशन होती है एक जॉइंट पे, कोई भी जॉइंट पे, ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जॉइंट पे, जॉइंट सब समझ रहे हैं, ये दो जॉइंट, एक जॉइंट, आठ जॉइंट, सेवन जॉइंट, सिक्स, ये इस टाइप का जॉइंट, किसी भी जॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन होती है, किसी भी जॉइंट में टू नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। यानी कि कोई भी एक जॉइंट है, सबको जॉइंट है पॉइंट, इस पॉइंट में कितनी इक्वेशन होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी होती है, दो। क्यों दो, तीन क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ये जो जॉइंट है इसका क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम देखने का मीन्स ये जो जॉइंट है ना ही एक्सियल डायरेक्शन में जाएगा, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, ना ही रोटेशन लेगा। पर रोटेशन तो ये ले ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट का क्या कोई पॉइंट कहीं रोटेट कर सकता है, क्वेश्चन है क्या कोई पॉइंट कभी रोटेट कर सकता है, पॉइंट तो पॉइंट है, पॉइंट सिर्फ या तो आगे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो क्या घूम जाएगा। तो इसलिए जॉइंट में सिर्फ दो इक्वेशन होती है, कौन कौन सी दो इक्वेशन होती है, कि जो जॉइंट है इसमें जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लग रहे होंगे, सपोज ये जॉइंट में ए ले लेता हूं, इस जॉइंट ए में समीशन ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो। देखें जो ये मैं चीज बता रहा हूं यही आपका कॉन्सेप्ट है पूरा, अभी समझ लें फिर बाद में सीधा एनालिसिस में जाएंगे, वहां पर मैं जो अभी चीज समझ रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरिंदर सिंह, जितेंद्र सिंह जो दो और जीरो बोल रहे थे, अगर वो समझ पाए हैं नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर, दैट इज इसमें आपके कितने नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं, अननोन फोर्सेस, जो अननोन फोर्सेस कितने हैं, अननोन इंटरनल फोर्सेस कितने हैं, 13 हैं, कितने हैं, 13, 13 फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा स्ट्रेस में सॉल्व करने के लिए। कहाँ निकाल रखा है अभी आपने, आपको पता है, नहीं पता, आशीष गुड मॉर्निंग, बहुत देर में आ रहे हो आप, क्या था, पढ़ाई से मन उग गया है आपका, जरा ध्यान दें। ओके, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, सिर्फ ये दो इक्वेशन होती है, ये एग्जाम में पूछा गया है, किसी एक जॉइंट में ट्रस के कितनी इक्वेशन होती है, पहला क्वेश्चन टू नंबर, दूसरा कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, आपको तीसरी भी दे देगा, आप सबके सब लोग तीन के तीन करके आ जाएंगे। पर ध्यान रखें किसी जॉइंट में सिर्फ दो इक्वेशन होती है, क्योंकि जॉइंट रोटेशन नहीं ले सकता है, सिर्फ वो जॉइंट है एक्स डायरेक्शन में और वाई, तो ये जो जॉइंट है इक्विलिब्रियम में रहेगा, आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन। गुड मॉर्निंग स्टडी क्लास जो भी है। ओके, सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, ये समझ आ गया। अब मैं बताना क्या चाह रहा था कि एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री आया गया, अब आपको पता चल गया है मेरे पास अननोन कितने हैं, मेरे को पता चल गया है, यहां लिख देते हैं मेरे को पता चल गया मेरे पास अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं एम के बराबर जितने मेंबर हैं, और इक्वेशन कितने हैं मेरे पास, इक्वेशन कितनी है मेरे पास, दैट इज दो। पर दो कहां पर, एक जॉइंट में दो हैं, इन वन जॉइंट, एक जॉइंट में अगर दो हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर जे जॉइंट होंगे, कोई नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं आशीष, पढ़ाई में ध्यान है आपका, ऐसी बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन है ये ब्रिज और टनल, आपको ब्रिज और टनल, पहले ट्रस तो पढ़ लो तभी तो ब्रिज बनेगा, बिना ट्रस के ब्रिज कैसे बन जाएगा, पहले ट्रस पढ़े फिर उसके बाद आपका बेसिक्स पढ़े, ब्रिज तो बनने में क्या है, बन जाएगा ब्रिज आपका आरसीसी जब बनेगा तो बन जाएगा, आरसीसी का स्टील बनेगा तो स्टील स्ट्रक्चर पड़ेंगे तो ब्रिज बन जाएगा। पहले बेसिक्स पर ध्यान दें, एक जॉइंट में कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक जॉइंट में कितनी इक्वेशन है, टू इक्वेशन है। अब अगर इसमें जे जॉइंट हो गए, कितने जॉइंट हो गए, जे जॉइंट, तो कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, टू जे हो जाएंगे। देखें एक जॉइंट में कितनी इक्वेशन है, दो, किसी भी एक जॉइंट में ट्रस के दो इक्वेशन होती हैं, पर अगर जे जॉइंट हो, जे मीन्स नंबर ऑफ जॉइंट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, जैसे आठ जॉइंट है, तो टू जे हो जाएंगे।
अब देखें ये अननोन है, ये क्या है इक्वेशन। तो आपको पता है जब अननोन अगर इक्वेशन के बराबर हो गया, देखें अननोन इज इक्वल टू इक्वेशन के बराबर हो गया, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। पर आपका ये माइनस थ्री क्यों आया? अब क्वेश्चन आता है m, समझ गए आप, m है अननोन, अननोन m के बराबर है 2j 2j, 3 क्यों आया? 3 इसलिए आया बिकॉज आपको पता है कि 3 को हम ऑलरेडी यूज करेंगे किसको निकालने में, फॉर कैलकुलेटिंग दिस सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन भी तो निकालनी है, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए कितनी इक्वेशन यूज होंगी? ये जो सपोर्ट रिएक्शन है दैट इज दिस आर ए, दिस एच ए एंड दिस आर बी, ये तीन जो आपकी रिएक्शन है, इन तीन रिएक्शन को निकालने के लिए मैं तीन इक्वेशन ऑलरेडी यूज कर चुका हूंगा। कौन कौन तीन इक्वेशन ऑलरेडी यूज कर चुका हूंगा, तो इसलिए अब मेरे पास अवेलेबल, आपके पास 2j थी, कितने थी 2j, अब आपने क्या कर दिया है, तीन को यूज कर लिया है, तो कितनी बचेंगी, सिंपल सी मैथमेटिक्स, कितनी बचेंगी 2j-3। सो ये क्या है, ये टर्म बताता है नंबर ऑफ अननोन, ये टर्म बताता है नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। जब नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन के बराबर हो जाएगी, दैट मींस दिस इज नंबर ऑफ अननोन बताता है, कौन से अननोन, दैट इज इंटरनल फोर्सेस के बारे में, कि कितने इंटरनल फोर्स। और ये जो टर्म है ये बताता है अवेलेबल इक्वेशन कितनी है। अब आपके पास एक जॉइंट पे दो होती हैं, जे जॉइंट पे 2j, तीन को ऑलरेडी यूज कर सके हैं, 2j-3 अवेलेबल इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगर मैं सबके डाउट क्लियर कर पाया हूं और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके मींस की समझ आए हैं तो एक बार यस सर बोल दें। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, किसी को भी कोई भी डाउट है, परफेक्टस, बिल्कुल परफेक्टस। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कि ट्रस में क्यों m इक्वल टू 2j-3 एक परफेक्ट ट्रस होता है, क्यों ये स्टेबल होता है और क्यों ये डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट माने क्या होता है, अगर जो आपके अननोन्स हैं उनको हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से निकाल पाए तो आपकी वो क्या हो जाएगा, जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं डिटरमिनेट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इनडिटरमिनेट। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दिस इज परफेक्टनेस। बस आपका चैप्टर कंप्लीट, जो इतनी चीजें समझ चुका है, जिसको इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स उसका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। एम का मतलब क्या है जिसको पता चल गया, जे का मतलब क्या है, जे का मतलब सिर्फ जॉइंट नहीं है, उसका बहुत बड़ा यूज है। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। तो ये सब चीज अगर सबको समझ आ गया है तो एक बार यस बोल दे। और हम इसके बाद अब देखते हैं दूसरा ट्रस, दूसरा ट्रस है आपका, दूसरे ट्रस को बोलते हैं, एक तो हो गया परफेक्ट ट्रस, अब दूसरा जो ट्रस है दिस इज, इसको बोल सकते हैं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। और एक नाम और होता है इसका डेफिशिएंट, डेफिशिएंट ट्रस। अब डेफिशिएंट माने डेफिशिएंसी, सुना है ना, डेफिशिएंसी माने कमी आ जाना, डेफिशिएंसी माने क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है ना, डेफिशिएंसी मींस कमी आ जाना, तो डेफिशिएंट ट्रस। तो अब आपका डेफिशिएंट ट्रस होता क्या है, डेफिशिएंट ट्रस क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ मेंबर यानी m जब लेस देन 2j-3 हो जाएंगे, किसके बराबर, किससे, 2j-3 से, तो ये एक क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट। क्यों हो जाता है, बिकॉज ये जो ट्रस होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मींस, जैसे मान लो कोई भी मैंने एक ट्रस बनाया, लेट अस दिस इज ए ट्रस, ये मैंने क्या बनाया, इस तरह से ट्रस बनाया, दिस इज ए ट्रस, नाउ दिस इज जॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ जॉइंट। Now, if a force of suppose P kilonewton is acting at this joint E, this truss will be deflect like this. ये जो truss होगा ये क्या हो जाएगा, इस तरह से deflect हो जाएगा। Stable माने क्या होता है, अगर कोई truss
जब उसमें कोई लोड उसके जॉइंट पैक करता है तो उसके कारण बहुत ज्यादा इस तरह से डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, तो उसे बोलते हैं स्टेबल। बट यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं फोर्स लाऊंगा ये एक सिंपल वर्ड हो रहा है ढपकना, ढपकना सुना है, ढपक जाएगा, यानी कि इस तरह से हिल जाएगा। तो इसलिए आपका जो ये आपका ट्रस है, दिस ट्रस इज ए डेफिशिएंट ट्रस एंड अनस्टेबल। इसमें नंबर ऑफ मेंबर गिने जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एम इक्वल टू 8। अब अगर मैं इसमें जॉइंट गिनूं, 1 joint, 2, 3, 4, 5, 6, J equal to 6, J equal to 6। अब मैं 2J minus 3 कैलकुलेट करता हूँ, 2J minus 3 यानी 2 into 6 minus 3, 12 minus 3, 9, दैट मीन्स 8 is less than 9, यानी जो M है दैट इज लेस देन क्या है, 2J minus 3। तो जो नंबर ऑफ मेंबर है ये इतने सफिशिएंट नहीं है कि इस ट्रस को अपने ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन कर सके, तो इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर आप दीपेंद्र भट्ट, सुभित जोशी, जितेंद्र सिंह, संतोष सती, डोबरियाल, ऋषभ तिवारी, नेगी, ज्योति कठायत, आशीष खाजल लावत, अगर सब बने हुए हैं, मेरा क्वेश्चन है दिस ट्रस इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ये जो ट्रस है ये डिटर्मिनेट ट्रस है या इनडिटर्मिनेट ट्रस है, अगर आप लोग बने हुए हैं एक बार बताइए, डिटर्मिनेट ट्रस है अगर आप इससे पहले समझ पाए हैं तो बताएं ये डिटर्मिनेट ट्रस होगा या इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मीन्स जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या अवेलेबल इक्वेशन है। अगर इनडिटर्मिनेट मीन्स जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटर्मिनेट। सुमित जोशी बिल्कुल समझे हैं, क्यों, एम क्या है, दैट इज अननोन, कम है, किससे, अवेलेबल इक्वेशन से। अननोन कितना है सिर्फ आपके पास, 8 है, इस ट्रस की बात करें सिर्फ कितना है, 8। अवेलेबल इक्वेशन कितनी है आपके पास, 9। 9 इक्वेशन से 8 अननोन को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दिस ट्रस इज अनस्टेबल एंड डिटर्मिनेट। तो सबको समझ आ गया क्यों ये डिटर्मिनेट होता है, अनस्टेबल एंड डिटर्मिनेट। सो इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट ट्रस इज दिस। बिल्कुल आशीष, ऑल इन वन, ज्योति कठायत आपका, और आयुष गौर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल आपका सही है, सबको समझ आ रहा है, एक बार थम्स अप कर दें अगर सबको समझ आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आवाज में आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो नाउ थर्ड टाइप का ट्रस जो आपका है, देखें ये कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा आपको मींस की याद रहेंगे अगर आप ये समझ पाए हैं। कुलवीर सिंह बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ओके बिल्कुल सही। नाउ थर्ड वन इज ए, इसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस। अब जैसे डेफिशिएंट होता है, इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश पर ना जाएं आप, जैसे डेफिशिएंट माने क्या होता है, कमी। अब रिडंडेंट, रिडंडेंट माने क्या होता है, रिडंडेंट माने होता है एक्स्ट्रा अननोन, और ऐसे रिडंडेंट मींस क्या होता है, जो इनडिटर्मिनेट, ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, जो इनडिटर्मिनेट भी होता है, इसका मींस क्या भी होता है, इनडिटर्मिनेट। कोई भी मेंबर या कोई भी स्ट्रक्चर जो आपके इनडिटर्मिनेट होता है दैट इज नोन एज रिडंडेंट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट मीन्स जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, एम इज इक्वल टू 2J minus 3। अब देखें क्या है, एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, जे क्या है, जॉइंट। ये आपका स्टेबल तो रहेगा, पर मेरा क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेट रहेगा या इनडिटर्मिनेट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगेन वही सेम एग्जाम्पल जैसा हम अभी पढ़ी आ रहे हैं। एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार, पांच, छह जॉइंट, दिस इज हिंज जॉइंट, दिस इज रोलर सपोर्ट, दीज आर एक्सटर्नल सपोर्ट, दीज आर इंटरनल सपोर्ट। ये इंटरनल कैसे भाई, जब किसी भी दो मेंबर के बीच में जॉइंट लगता है तो दीज आर इंटरनल सपोर्ट, जब बिल्कुल एक्सटर्नली लगता है लाइक कॉलम वॉल, दीज आर एक्सटर्नल सपोर्ट, जबकि जो रॉक और बियरिंग ये सब क्या कहलाते हैं, इंटरनल सपोर्ट। तो अब देखें,
आपके पास नंबर ऑफ मेंबर क्या हो गए हैं, ज्यादा, अवेलेबल इक्वेशन क्या होगी है, कम। जब आपके अननोन, अननोन यानी कि अननोन किसके बराबर होता है, एम, इज ग्रेटर देन जो भी आपके पास अवेलेबल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहती है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, 2j-3। जब ज्यादा हो जाती है, जब अननोन इक्वेशन से ज्यादा हो जाती है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सबको पता है जिसने क्लास कर रखी होगी, और बहुत अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को क्या भी बोलते हैं, रिडंडेंट। क्या भी बोला जाता है, रिडंडेंट। अब नंबर ऑफ मेंबर क्या हो गए हैं, जो आपके पास, अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोन, कुछ स्पेशल मेथड लगानी पड़ेगी। इस टाइप के ट्रस्ट को बोला जाता है रिडंडेंट ट्रस्ट। जब आपके नंबर ऑफ मेंबर रिडंडेंट माने क्या होता है, एक्स्ट्रा अननोन, या जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उनको रिडंडेंट बोला जाता है। ये स्टेबल तो होगा ही, स्टेबल होने का मीन्स अगर इसमें मैं कोई फोर्स लगाऊं पी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन को मेंटेन तो करके रखेगा, बट जो ये पी फोर्स है, इस पी फोर्स के कारण इस मेंबर में जो भी आपके इंटरनल फोर्स आ रहे होंगे उनको आप इन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपके पास अननोन ज्यादा हो गए हैं, यानी मेंबर ज्यादा हो गए हैं अवेलेबल इक्वेशन से। स्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट, बिल्कुल दीपेंद्र भट्ट, स्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट। स्टेबल क्यों है, यानी ये आपका कहीं जाने का नहीं, अपनी जगह में रहने का। इनडिटर्मिनेट क्यों है, बिकॉज आपका अननोन ज्यादा होगी, इक्वेशन कम होगी, इसलिए m इक्वल टू। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, सबको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया इनडिटर्मिनेट क्या होता है, क्यों ये डिटर्मिनेट होता है, तो एक बार थम्स अप कर दें और फिर हम आगे अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट में, दैट इज मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। आज हम मेथड ऑफ जॉइंट को समझेंगे, बिल्कुल एक एक चीज, बिल्कुल बने रहे लास्ट तक, आपको मैं ऐसा क्वेश्चन करा के दूंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ ट्रस। अगर सबको क्लियर हो गया है, m का मतलब क्लियर हो गया, 2j-3 का मतलब क्लियर हो गया, एंड एक बार सब थम्स अप कर दें, सब बता दें एक बार, सबको क्लियर है, ओके, थैंक यू संतोष, दीपेंद्र, जितेंद्र, अनिल सिंह नेगी, सब थैंक यू, सब बने हुए हैं, ओके। सो ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारा आता है ओके, सो नाउ नेक्स्ट है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। क्या ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो इसकी तीन मेथड होती हैं, एक होता है आपका मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट जिसको ध्यान में रखते ही आपने पूरा करना है। दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड, और इसको हम कभी मोहर्स मेथड भी बोलते हैं। सो दीज आर दी मेथड्स विच आर यूज्ड, एनालिसिस का मतलब सब समझ गए होंगे, यानी कि टू डिटरमाइन दी इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस को एक ग्राफिकल मैनर में बनाना। तो बताइए कौन सा डायग्राम बनेगा, एनालिसिस माने मैंने बता दिया, एनालिसिस माने क्या होता है, टू डिटरमाइन इंटरनल फोर्सेस, टू डिटरमाइन इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, या तो आपका डायरेक्ट टेंशन होता है ट्रस में, या क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, या क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। क्लियर है, डायरेक्ट टेंशन होता है या क्या होता है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। अब
दूसरा चीज क्या होती है, जो ये डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट वेव, इसको क्या करना है, इसको एक ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ करने पर जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम क्या बनेगा, इसमें एक्सियल फोर्स डायग्राम, या जो आपके एक्सियल फोर्स के कारण जो मेंबर बनता है इसको क्या भी बोलते हैं, थ्रस्ट डायग्राम। क्या भी बोला जाता है, थ्रस्ट डायग्राम, जो एक्सियल फोर्स को AFD, जैसे SFD होता है, SFD मीन्स शेयर फोर्स डायग्राम, AFD मीन्स FBD, हरेंद्र कंडारी, FBD इज फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज डिफरेंट। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है किसी भी मेंबर में, अभी देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम में भी आपको अंतर समझ आ जाएगा, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम का ही इंपॉर्टेंस है। शेयर फोर्स डायग्राम SFD, BMD मूवमेंट डायग्राम BMD, ये हम पढ़ते हैं बीम में। अब जो आपके ट्रस हैं उसमें हम क्या बनाएंगे, एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो हम ये इन मेथड का सहारा लेते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट का, मेथड ऑफ सेक्शन और ग्राफिकल मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ जॉइंट। तो देखते हैं पूरा चैप्टर, जॉइंट पिन जॉइंट कनेक्शन, आयुष कॉर्ड, बिल्कुल आयुष कॉर्ड। सो नाउ माय क्वेश्चन और माय टॉपिक फॉर टुडे इज मेथड ऑफ जॉइंट। एक बस एक, अगर आप एक जॉइंट को सॉल्व कर लेंगे सारा चैप्टर कंप्लीट, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ध्यान से। अब जितने लोग बने हुए हैं बिल्कुल कहीं ना जाएं, बिल्कुल इस टॉपिक को ध्यान से देखें, एक दो नंबर SSC में आपका 100% बनने वाला है आज। कैसे बनेगा ध्यान से देखें, मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट, सबसे पहले मेथड ऑफ जॉइंट क्यों बोला गया है, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें है, इन दिस मेथड इक्विलिब्रियम माने क्या होता है, संतुलन। इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट इज कंसिडर्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट इज कंसिडर्ड। यानी कि अब इस सेंटेंस से आप, हाँ टुडे एनर्जी इज नाइस बिकॉज आपका रिस्पॉन्स ना, एक्चुअली क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में जो इंट्रैक्शन रहता है जितना अच्छा रहता है गुरु को, वो एनर्जी आप शिष्य लोग ही देते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू द कन्वर्जेशन बिटवीन बोथ ऑफ द साइड्स। ओके, सो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है अभी तक, तो आपकी जो इसी तरह से अगर आप रहेंगे तो मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा और ऊपर बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स। ओके, सो इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट इज कंसिडर्ड। तो इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट सब मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट का मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो जॉइंट है, आपको बताया ना ABCD बहुत सारे जॉइंट हैं, तो जो भी है आपका जॉइंट है, ये जो जॉइंट है अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन है जहाँ पर भी ये रहेगा, ये जो जॉइंट है ये बॉक्स में बना रखा मैंने ए, ये जो जॉइंट है ये ना ही कहीं आपका यहाँ जाएगा ना ही यहाँ जाएगा, यानी ना ही इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा और वर्टिकल। ये कब होगा इस जॉइंट ए में, ये कब होगा कि अपनी जगह, कब होगा जब इस जॉइंट में लगने वाले जो फोर्स होंगे, इक्विलिब्रियम माने क्या होता है, संतुलन बनाए रखना। संतुलन मीन्स कोई भी अगर पॉइंट या जॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करके रखेगा, आपका मेंटेन करके रखेगा। कैसे मेंटेन करेगा, जब इसमें जो फोर्स लग रहे होंगे एक्स डायरेक्शन में और फोर्स लग रहे होंगे जो भी जितने भी समीशन, उनका समीशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो जाए और समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो हो जाए एट ए जॉइंट, देन दिस जॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। सो दैट मींस एक जॉइंट में कितनी इक्वेशन मिलती है आपको, दो इक्वेशन। एक जॉइंट में कितनी इक्वेशन मिलती है, दो। तो अब यहां पर ये भी ध्यान रखें, आपके पास कितनी अवेलेबल इक्वेशन है, एक जॉइंट पे सिर्फ दो इक्वेशन अवेलेबल है। इक्विलिब्रियम माने क्या होता है, कोई भी जॉइंट आपका ना ही हॉरिजॉन्टल जाएगा ना ही कहां जाएगा, वर्टिकल। दैट मींस ये जॉइंट में लगने वाले फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो होने चाहिए, इस जॉइंट में लगने वाले फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो होने चाहिए। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ जॉइंट उसी जॉइंट में एप्लीकेबल होगा जिस जॉइंट में नंबर ऑफ
अननोन फोर्स मेंबर दो या दो से कम होंगे। क्यों? अगर मान लो किसी जॉइंट में चार अननोन फोर्स मेंबर हो गए तो क्या आप मेथड ऑफ जॉइंट लगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि जॉइंट में कितने इक्वेशन है, दो, अननोन चार, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इट इज एप्लीकेबल एट, तो कितनी इक्वेशन होगी, टू इक्वेशन। मेथड ऑफ जॉइंट में पूछा जाता है कितनी इक्वेशन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी इक्वेशन होती हैं, दो। क्यों होती हैं दो? क्योंकि ये जॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और रोटेशन को तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज एप्लीकेबल एट दैट जॉइंट ओनली वेयर नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर आर टू और लेस देन टू। अब इस सेंटेंस को जो समझ गया वो मेथड ऑफ जॉइंट को समझ गया। मैंने क्या बोला, यह मेथड एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल मींस कहां पर इसको, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एट दैट जॉइंट, उस जॉइंट पे ओनली जहां पर के नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर, अननोन फोर्स मेंबर मींस जिन मेंबर में फोर्स अभी पता नहीं है, उन मेंबर को क्या बोलते हैं, अननोन फोर्स मेंबर, या तो दो हो या दो से कम हो। दो और दो से कम क्यों? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन दो ही है ना। अगर मेरे पास दो ही इक्वेशन है, दैट मींस मेरे पास जो अननोन होंगे वो भी दो या दो से कम होने चाहिए। पर मैंने क्या बोला है? अब ऐसा तो अब क्वेश्चन यहां पर आता है, तो आप बोलेंगे सर तो फिर इस ट्रस को तो इस मेथड को मैं कहीं पर लगा ही नहीं सकता जहां पर दो से ज्यादा होंगे। लगा सकते हैं, कैसे, अब देखते हैं। इस मेथड, अब इस इन दोनों सेंटेंस से मैं इस पूरे ट्रस में इस मेथड ऑफ जॉइंट का आपको मेथड बता देता हूं। जो ये दो सेंटेंस, अगर ये दो सेंटेंस समझ आ गए थोड़ा बहुत, तो आप यस सर बोलते हैं, हम इन दोनों सेंटेंस को अब एक इनकी मेथड को देखते हैं किस तरह से। देखें क्या है, लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई ट्रस बना लेते हैं, लाइक के ट्रस्ट टाइप का आपको दिख रहा है। कैसा ट्रस्ट दिख रहा है? के ट्रस्ट, जिसमें भी आपको कभी भी इस तरह से के शेप दिख रहा है, के दिख रहा है। देखिए के ट्रस्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। के मींस किंग पोस्टर्स टाइप का, ये के ट्रस्ट, के ट्रस्ट का ये देखिए के टाइप का दिख रहा है आपको। इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस ट्रस्ट को आपको सॉल्व करना है, इस ट्रस्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। दिस इज ए, मेथड बता रहा हूं सिर्फ अभी, ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये क्या है एफ, ये क्या है जी। इन मेंबर को बोला जाता है, ये जो इसके नीचे वाले मेंबर होते हैं इनको बोला जाता है लोअर कॉर्ड। क्या बोला जाता है? ए बी इज लोअर कॉर्ड, बी सी इज लोअर कॉर्ड, ये लोअर कॉर्ड, और जो ऊपर रहता है ये अपर कॉर्ड कहलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें मेंबर होते हैं, वो आप ट्रस में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, पर्लिन क्या होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द आपका ट्रस, रूफ ट्रस के बारे में। तो रूफ ट्रस में वो आप बाद में स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जी एच आई जे के एल। अब देखें क्या है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट कंसिडर करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट होने का मीन जॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, सारे के सारे जॉइंट किस में रहने चाहिए, इक्विलिब्रियम में। सारे के सारे जॉइंट इक्विलिब्रियम में रहने का मीन्स क्या है, कि इन सारे जॉइंट में जो आपके फोर्स हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में, उनका समीशन जीरो होना चाहिए। अभी देखेंगे फोर्स किस किस तरह से लग रहे हैं इसमें, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, और साथ ही इस मेंबर, इस जॉइंट में फोर्स वाई डायरेक्शन में भी जीरो होने चाहिए, यानी कि। और दूसरा क्या है, अब अप्लाई कैसे करेंगे, किस जॉइंट पे, उस जॉइंट पे अप्लाई करेंगे। अब देखें, अब मैं क्या इसको, ये जो जॉइंट है सपोज, क्या मैं इस बी जॉइंट में लगा सकता हूँ? बी जॉइंट में मेंबर कितने हैं, बी ए, सपोज एल एम, दिस इज एम, दिस इज ओ, दिस इज पी,
ये भी जॉइंट है, ठीक है। तो बी एम, बी ए, बी सी कितने मेंबर हैं? एक दो तीन, तीन मेंबर, तीन अननोन। तो क्या आप जॉइंट बी पर लगा सकते हैं पहले? नहीं, सबसे पहले जॉइंट ए पर लगाएंगे। जैसे ए सॉल्व हो जाएगा फिर ये निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा क्योंकि ए में कितने मेंबर है, दो, ए भी निकल जाएगा। फिर आप बी पर लगाइए, बी पर लगाइए क्योंकि अब आपको पता है ये तो नोन हो गया, हालांकि तीन मेंबर है पर अननोन फोर्स मेंबर सिर्फ कितने हैं? दो, बी एम और बी सी। फिर इन दोनों को निकाल लीजिए, बी एम और बी सी निकल गया, ये दो निकल गया। फिर आप किस में लगा सकते हैं? सी में नहीं लगा सकते, इसमें लगाएंगे एच में, एच में लगाएंगे, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं एच, जब ए को सॉल्व किया था तो क्या निकल जाएगा? एच आई और एच एम। फिर इसमें लगाइए एम जॉइंट में, ये निकल जाएगा, ये निकल, इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगी। इसी मेथड को हम बोलते हैं आपका मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट क्या है? सबसे पहले उस जॉइंट को पकड़िए जहां पर आपको दो दिखे, दो मेंबर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन है। फिर उसके बाद हालांकि जी को भी पकड़ सकते था इन दोनों को सॉल्व करके, तो ये मेथड इस तरह से चलते रहती है। एक जॉइंट को पकड़ो, उस जॉइंट को पकड़ो जहां पर दो हैं, जैसे दो निकल जाए फिर उस जॉइंट में जाओ जहां पर आपको अननोन फोर्स मेंबर कितने दिख रहे हैं, दो या दो से कम। हालांकि मेंबर कितने हैं? तीन हैं, पर अननोन सिर्फ कितने हैं? दो, क्योंकि ए जॉइंट को जब सॉल्व किया तो ए भी ऑलरेडी निकल चुका था। यही मेथड ऑफ जॉइंट है। कैसे सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगर मेथड ऑफ जॉइंट क्लियर हुआ होगा दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट कंसिडर, आपको पर यह पता होना चाहिए टेक्निकली इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि ये जो जॉइंट है ये किस में रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। दूसरा चीज यह पता होना चाहिए आपको कि कौन से जॉइंट पर लगेगा जहां पर नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर दो या दो से कम होंगे, और कितनी इक्वेशन होती है ये पूछा जाएगा। दो इक्वेशन होती है एक जॉइंट में, सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को और ये सारी चीजों को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन है, पूरे प्रोसेस जो आज तक हमने पढ़ लिया बस पांच मिनट में आपको पूरा समझाना है, एक ही फोर्स में बता रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से बने रहें। अगर ये मेथड ऑफ जॉइंट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो यहां से देखते हैं। क्लियर? ओके, सपोज दिस इज ए कैंटिलीवर ट्रस, दिस इज जॉइंट ए, दिस इज जॉइंट बी, दिस इज जॉइंट सी, दिस इज जॉइंट डी, दिस इज जॉइंट ई। अब इस सी जॉइंट में सपोज एक फोर्स लगा हुआ है 2 kN का, लगा लें। ऐसे बी पर लगा हुआ है, लेट अस, ये भी आपका 2 kN लगा हुआ है, दिस इज 3 m। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 3 m। यहाँ से लेके यहाँ तक भी सपोज डिस्टेंस कितनी है? 3 m। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 3 m। ये एक ट्रस है। अब क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में, फोर्स इन मेंबर सी बी, सी बी क्या होगा? ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है कि ये जो सी बी है इसमें फोर्स कितना होगा। क्लियर है? बहुत आसान है। कैसा ट्रस है? एक कैंटिलीवर ट्रस है, कैंटिलीवर वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड क्या है? फ्री है। जॉइंट सी पे 2 kN का लोड लग रहा है, जॉइंट बी पे 2 kN का। अब आप क्या करेंगे? सीधे सीधे आपको पता है फोर्स इन सी बी, हम सबसे पहले उस जॉइंट को देखेंगे जहां पर नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर दो या दो से। कौन सा जॉइंट दिख रहा है सर? देखें ये जो जॉइंट है यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर आपको सपोर्ट रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। पर अगर हम इस जॉइंट सी को देखें तो इस जॉइंट सी में कितने मेंबर हैं? दो मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर? सी बी और सी डी, दो मेंबर हैं। तो जॉइंट सी पे आप इसको लगा सकते हैं। अब देखें यहां पर सबसे पहले आता है आपका इंपोर्टेंट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। आपको पता है ना, कोई भी इंटरनल फोर्स होता है उसके लिए साइन कन्वेंशन होता है। जैसे शियर फोर्स है, शियर फोर्स क्या होता है आपका? शियर फोर्स जब आप ऊपर की ओर लेते हैं लेफ्ट से पॉजिटिव, डाउनवर्ड लेते हैं निगेटिव, ऐसी बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ऐसे ही जो ये मेंबर है
इन मेंबर में क्या डेवलप होने वाला है, एक्सियल फोर्स। इसलिए जो इसके मेंबर हैं क्या कहलाते हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर हैं कैसे मेंबर होते हैं, एक्सियल मेंबर। अब जो इसके लिए साइन कन्वेंशन होता है, वो साइन कन्वेंशन ध्यान से देखें कैसा होता है। ये मान लो एक मेंबर है, इस मेंबर का ये सपोज आई जॉइंट है, दिस इज जे जॉइंट। तो ये जो आपका है साइन कन्वेंशन, दिस इज फॉर टेंशन के लिए। और अगर आपका इस तरह से है, दिस इज दिस, दिस इज आई, दिस इज जे, तो ये किस चीज के लिए है, कॉम्प्रेशन के लिए। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो सोच रहे सर ने यहां पर गलत बना दिया है, ऊपर वाला कॉम्प्रेशन दिख रहा है, नीचे वाला टेंशन, पर ये मैंने बिल्कुल सही बनाया है। क्यों, हम कभी भी जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन देंगे, साइन कन्वेंशन से ध्यान से देखें, साइन कन्वेंशन देखें, हम जॉइंट के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी भी मेंबर में आने वाला जो इंटरनल फोर्स है वह जॉइंट को खींचने की कोशिश करता है, किसको, जॉइंट को खींचने की कोशिश करता है, तो उस मेंबर को कैसा मेंबर बोलते हैं, टेंशन मेंबर और टाई मेंबर। जैसे आप देख रहे हैं इस आई जॉइंट को और इस जे जॉइंट को, इसमें आने वाला जो इंटरनल फोर्स है दैट इज सपोज एफ, दिस एफ फोर्स, या टी ले लेना, टी माने टेंशन, दिस टी फोर्स, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन। जबकि अगर किसी जॉइंट को, किसी मेंबर में आने वाला इंटरनल फोर्स पुश करने की कोशिश करता है, ये टेंशन क्या करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, पुल जॉइंट। जबकि जो कॉम्प्रेशन फोर्स है ये क्या करने की कोशिश करेगा, पुश जॉइंट। तो अगर जो आपका फोर्स है इंटरनल फोर्स वो उन जॉइंट को, किसी भी जॉइंट को पुश करने की कोशिश करता है, तो वो मेंबर कॉम्प्रेशन मेंबर और स्ट्रट मेंबर कहलाता है। अगर ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप बोल दें, कोई डाउट हुआ है तो एक बार और बता देंगे। कुछ ने जॉइंट के हिसाब से देखेंगे, मेंबर के हिसाब से नहीं देखा जाएगा साइन कन्वेंशन। अगर मेंबर को खींच रहा है तो टेंशन, मेंबर को दबा रहा है वो आने वाला इंटरनल फोर्स, दैट इज कॉम्प्रेशन। बस इतना ही समझ रहे हैं, क्लियर है। सो दिस इज आपका टेंशन कॉम्प्रेशन पुल जॉइंट पुश जॉइंट। अब हम क्या लेते हैं, अब देखते हैं जो हरेंद्र कंडारी अगर बने हुए हैं तो हरेंद्र कंडारी आपको एफबीडी और एएफबी में अंतर आएगा। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, ये इतना समझ गए, अब हम कुछ नहीं करते हैं, स्टेप वन, हम वाला जॉइंट पकड़ते हैं जिस जॉइंट में नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर दो या दो से कम हो। मुझे सी जॉइंट मिला तो मैंने लिख दिया जॉइंट सी का हम क्या बनाएंगे, एफ बी डी। एफ बी डी का मीन्स होता है हरेंद्र कंडारी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम का मीन्स क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स होता है कि आपका किसी भी मेंबर या किसी भी पॉइंट पे लगने वाले जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इंटरनल फोर्सेस हैं उनको एक डायग्रामेट्रिक रूप में दिखाना, एक ग्राफिकल मैनर में दिखाना क्या कहलाता है, फ्री बॉडी, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। जबकि एसएफडी इज ओनली ए डायग्राम ऑफ इंटरनल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ओनली ए डायग्राम ऑफ इंटरनल फोर्स, एक्सियल फोर्स डायग्राम इज ओनली ए डायग्राम ऑफ इंटरनल फोर्स, FBD फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्राम इन ए पिक्टोरियल मैनर, पिक्टोरियल मीन्स एक पिक्चर के रूप में, पिक्टोरियल मैनर, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन FBD एंड AFBD। अगर हरेंद्र कंडारी अब ध्यान से सुने, अब हमने क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जॉइंट सी पे, यानी जॉइंट सी पे आने वाले जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्स होंगे और जो इंटरनल फोर्स होंगे उनको हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया, जॉइंट को पुश करेगा कॉम्प्रेशन, पुल करेगा टेंशन। हमने क्या किया, अब ध्यान से देखें, ये जो बस एक स्टेप समझ गए सारा कंप्लीट, इस स्टेप को ध्यान से समझें।
सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइंट सी का मैं क्या बना रहा हूं, एफ बी डी, क्या बना रहा हूं, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले इस जॉइंट को ले, दिस इज सी। इसमें सबसे पहले आने वाले एक्सटर्नल फोर्स को दिखाने, एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है, दिस इज, दिस 2 kN इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस 2 kN इज एक्सटर्नल फोर्स। इन्हीं दो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण मेंबर सी डी, मेंबर सी बी, मेंबर बी ए, मेंबर डी ए, मेंबर डी, इनमें क्या आने वाला है, इंटरनल फोर्सेस। और स्ट्रक्चर का काम ही क्या है, टू विदस्टैंड दिस एक्सटर्नल फोर्स। स्ट्रक्चर के डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस को विदस्टैंड करना यानी सहना बाय डेवलपिंग और इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल फोर्स। ये ट्रस कैसा इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा है, डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, जिसके द्वारा ये 2 kN 2 kN रुक जा रहे हैं। दिस इज एनालिसिस। डिजाइन कैसे, डिजाइन भी अभी बता दूंगा डिजाइन कैसे होता है। अब ये सी हो गया, सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स कितने का आया इस जॉइंट में, 2 kN। पर एफबीडी क्या है, दैट इज टू रिप्रेजेंट इंटरनल फोर्स एज वेल एज एंड एक्सटर्नल फोर्स इन ए पिक्टोरियल मैनर, पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर के रूप में, ग्राफिकल मैनर में नहीं, पिक्टोरियल और ग्राफिकल मैनर समझ रहे हैं, ग्राफिकल मीन्स बिल्कुल ग्राफ, ग्राफ माने क्या होता है, स्केल में, पिक्टोरियल मीन्स कैसे भी पिक्चर के रूप में आप दिखा दो उसको, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स को। दिस इज FVD, इंटरनल फोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल तो दिखा दिया, इंटरनल बताइए, इंटरनल फोर्स क्या होंगे, जॉइंट सी में इंटरनल फोर्स क्या होंगे, इंटरनल फोर्स क्या होंगे, जो मेंबर जुड़े हुए हैं सी से, सी से कौन कौन सा मेंबर जुड़ा हुआ है, सबको दिख रहा है, एक सी बी डी जुड़ा हुआ है और एक सी बी, एक क्या जुड़ा हुआ है, सी बी, और एक क्या जुड़ा हुआ है, सी डी। देखें क्वेश्चन ये आपका फोर्स इन सी भी बहुत आसान है, अभी हम बता देंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, जब पर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहें, कभी लाइफ में गलती नहीं करेंगे। नाउ एक मेंबर सी डी है, एक मेंबर क्या है, सी बी, तो एफ सी डी, एफ सी डी, एफ सी बी, एफ सी डी, एफ सी बी, एफ सी डी, बिल्कुल, यानी फोर्स एक सीबी में निकालना पड़ेगा, एक सीडी में। तो हम देख लेते हैं, फोर्स लगा देते हैं, फोर्स अलग अलग पेन से लगा देते हैं, फोर्स, दिस इज फोर्स इन सी डी, एफ माने, एफ माने फोर्स, सीडी इज मेंबर, सीडी किसके लिए, मेंबर के लिए, एफ यानी कि फोर्स, हमेशा सफिक्स में लिखे हैं, लिखने का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। अब ये जो मैंने दिखा रखा है, ये एरो क्या बता रहा है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन, ये 2 kN सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन। अभी मैंने फोर्स की डायरेक्शन एफसीडी में कैसे ली है, कैसे एज्यूम की है, जॉइंट को ये एफसीडी खींच रहा है, दबा रहा है, ये जो एफसीडी है ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। हमेशा एज्यूम करें कि शुरू में जो आपके इंटरनल फोर्स है वो जॉइंट को खींच रहे हैं, अगर आपको जॉइंट को पुल कर रहे हैं, पुल माने होता है टेंसाइल, और टेंसाइल को क्या लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव, और अगर जॉइंट को दबा रहा है, और पुश और पुल का कैसे अंदाजा आएगा, तीर के निशान से, तीर का निशान अगर आपका इस जॉइंट से दूर है, दैट मीन्स इट इज पुल, और ये कैसा होगा, टेंसाइल। अगर तीर का निशान किसी भी जॉइंट में, तीर का निशान अगर जॉइंट की ओर होगा, दैट मीन्स ये क्या है, पुश है, ये क्या है, पुश है, और ये इस जॉइंट को क्या करेगा, दबाएगा। सो पुश माने क्या होता है, दैट इज कॉम्प्रेशन, एंड कॉम्प्रेशन माने क्या होता है, नेगेटिव। बस 5 मिनट और रुक जाए, आपको सारा क्वेश्चन, ये सी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। तो सी पे एफ सी डी, ऐसी में एफ सी बी लगा हुआ है, एफ सी बी। अब देखें जो एफ सी बी होगा, हमेशा एक्सियल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, एलोंगेट से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, कैसा लगेगा एफ सी डी, कैसा लगेगा, इस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल, जैसे ये मेंबर है, इस तरह से होगा, कोई मेंबर इस तरह से लंबा सा होगा, इस तरह से लंबा सा मेंबर होगा, ये मेंबर ऐसे, ये लंबा सा मेंबर होगा, होगा लंबा सा मेंबर इस तरह से,
ठीक है, ये होगा इस तरह से मेंबर। तो जो ये आपका फोर्स होगा, यानी ये फोर्स, इस ये फोर्स होगा, इस फोर्स कहाँ लगेगा, इसके इस डायरेक्शन में, अलोंग इट्स एक्सियल डायरेक्शन। जब एक्सियल डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स लगता है तो ऐसे मेंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे मेंबर को बोलते हैं आपका एक्सियल मेंबर। तो ये दो फोर्स आपने दिखा दिए, एफ सी डी एंड दिस इज एफ सी बी, क्लियर। अब बस, अब इस जॉइंट में कितने फोर्स लग गए, दो इंटरनल फोर्स लग गए और एक क्या लग गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो यह जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट सी है, ये जो जॉइंट सी है, ये क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा ये, जब इस जॉइंट सी में लगने वाले जितने भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में और जितने भी फोर्स वाई डायरेक्शन में, उनका समीशन क्या हो जाए आपका, जीरो। तो अब देखें इसको, आप इस तरह से बना लें। अब कभी भी आपने एक चीज सुनी होगी और सबको पता होगा, कभी भी कोई भी फोर्स अगर किसी एक एंगल में इंक्लाइंड होता है, तो उस फोर्स का जो आपके दो कंपोनेंट होते हैं, जहां की ओर एंगल होता है वहां की ओर कौन सा कंपोनेंट, कॉस, और जहां की ओर आपका एंगल नहीं होता है वहां की ओर साइन। ऐसा क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरी इक्वेशन क्या है, मेरे जो स्टेप थर्ड होगा वो क्या है आपका, दो इक्वेशन लगाना, समीशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जीरो, और दूसरा क्या इक्वेशन लगाना, समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन में जीरो लगाना। अब देखें ये जो एफ सी बी है, इंक्लाइंड फोर्स है, इसका एंगल कितना होगा, एंगल निकाल सकते हैं डायग्राम से, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, सबको पता है, सपोज थीटा, सो टेन थीटा इक्वल टू 3/3, सो थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 कब होता है थीटा, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, सो दिस थीटा विल बी 45 डिग्री, सो ये एंगल 45 हो गया। अब क्या करेंगे, इस एफ सी बी के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट देखें क्या हो जाएगा, इस तरह से ये देखना है, अगर बाहर की ओर है कंपोनेंट, बाहर की ओर है, तो इसके कंपोनेंट भी कहाँ की ओर होंगे, बाहर की ओर। ये कंपोनेंट हो गया क्या, एफ सी बी कॉस 45, कॉस 45 क्यों, जहाँ की ओर एंगल था। एक और हो गया, कुछ नहीं करना, आपने लाइन भी नहीं खींचनी है, बस तीर का निशान बनाना, एफ सी बी साइन 45, बस खत्म क्वेश्चन। इतना ही कॉन्सेप्ट था, जितना ये मैंने पॉइंट बता दिया, मैं एक बार इसको रिवाइज करूंगा। अब आपको कोई भी मेंबर में फोर्स, अब क्या करना है, समीशन एफ एक्स, एफ एक्स जीरो, जो इधर की ओर लगेगा वो पॉजिटिव, जो इधर की ओर लगेगा वो नेगेटिव, तो दोनों अभी इधर की ओर ही लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बी कॉस 45 माइनस एफ सी डी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन। दूसरा इक्वेशन क्या होती है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन जॉइंट में क्या होती है, समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, जो ऊपर की ओर लगे हैं पॉजिटिव, जो नीचे की ओर लगे हैं वो नेगेटिव। ऊपर की ओर क्या लगा हुआ है, एफ सी बी साइन 45 लगा है, एफ सी बी साइन 45, और नीचे की ओर क्या लगा हुआ है, माइनस 2 इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स एफ सी बी साइन 45 कितना होता है, 1/ साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और माइनस 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 2। सो एफ सी बी इक्वल टू कितना आ गया, 2√2 आ गया, एफ सी बी 2√2, कोई डाउट। अब देखें ये टेंशन होगा या कॉम्प्रेशन होगा, एफ सी बी 2√2 क्या है आपका, एफ सी बी 2√2 किसके साथ आया है, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ जब आंसर आएगा तो आपके एज्यूम डायरेक्शन बिल्कुल सही है, दैट मीन्स इट इज टेंसाइल, तो एफ सी बी इज 2√2 tan, तो सीधे एफ सी बी आपका आंसर आ गया 2√2 tan। अब एफ सी डी निकल गया, एफ सी बी निकल गया, अब एफ सी डी भी निकाल सकते अगर सी डी पूछा होता, कैसे, इस इक्वेशन वन में रख के, बस ये प्रोसेस चलते रहेगी, क्लियर हो गया। सर फर्स्ट इक्वेशन में पॉजिटिव होगा ना, कौन सा पॉजिटिव होगा, ये देखें पॉजिटिव। अब देखें जितेंद्र सिंह, यही चीज है जो जितेंद्र सिंह का डाउट है वो हर एक का डाउट है,
पर जितेंद्र सिंह ने पूछ लिया और कोई पूछ नहीं पाया। क्यों? जितेंद्र सिंह क्या सोच रहे हैं कि हमने टेंशन को पॉजिटिव लिया है। हमने टेंशन को क्या लिया है? पॉजिटिव। टेंशन को पॉजिटिव आपने लिया है डेफिनेटली, पर जब आप समिशन ऑफ फोर्स लगाएंगे, जितेंद्र सिंह ध्यान से सुनिए, जब भी आप समिशन ऑफ फोर्स लिखेंगे तो आप फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, यानी इस डायरेक्शन में है, सॉरी यहां से साइन कन्वेंशन देख लें, जो अगर इधर की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे, इधर की डायरेक्शन है तो क्या लेंगे? निगेटिव। ठीक है, ठीक है जितेंद्र, यहां देखें जो इधर की ओर है वो पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव। ये दोनों किधर की ओर लग रहे थे? इधर की ओर। दोनों इधर की ओर लग रहे थे तो माइनस एफसीडी कॉस, और ये भी इधर की ओर लग रहा था माइनस एफसीडी इक्वल टू जीरो। जो ऊपर की ओर लगता है पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, ये ऊपर की ओर लग रहा था पॉजिटिव, ये नीचे की ओर लग रहा था निगेटिव, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह अब क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, ये साइन कन्वेंशन है, वही है जैसे आप वो लेते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं ना, आर ए प्लस आर बी, ऊपर की ओर पॉजिटिव, एच ए इक्वल टू जीरो, वही सेम चीज है, जो बाई ओर पॉजिटिव दाई ओर नेगेटिव। क्लियर है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अगर सबको क्लियर हो गया, ये अब तक क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, अब क्लियर हो गया होगा। जॉइंट से अवे तो नेगेटिव, जॉइंट से देखें आशीष, यहां पर फिर से एक बार यही डाउट सबके आता है, फिर से एक बार समझें, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। यहां ध्यान से देखें, आपको मैंने क्या बताया, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं सिर्फ फॉलो करें। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? जॉइंट। जॉइंट में लगाने वाला सबसे पहला, ये देखें मैं इसको लिख देता हूं नंबर वन, नंबर टू क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटरनल फोर्सेस को दिखाना है। किसको दिखाना है? इंटरनल फोर्स को, ये दूसरा नंबर है। और इंटरनल फोर्स को इस तरह से दिखाएं आप कि आप हमेशा क्या एज्यूम करें? टेंशन। क्या एज्यूम करें? टेंशन। टेंशन एज्यूम करने का मीन्स जॉइंट से दूर ले जाएं फोर्स को। ये आपकी एज्यूम डायरेक्शन है। ये दोनों कैसी डायरेक्शन है? एज्यूम्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स। अगर आपके जो ये एफ सी बी और एफ सी डी अगर पॉजिटिव आते हैं तो आपकी एज्यूम डायरेक्शन सही है, अगर निगेटिव आते हैं तो इसका मीन्स आपकी एज्यूम डायरेक्शन गलत है। आप क्या बोल देंगे? ये टेंशन ना होके कॉम्प्रेशन होगा, ये हो जाएगा। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि इसके कंपोनेंट कर दे। इसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अभी बताया ही था मैंने, एफ सी बी क्या हो जाएगा? कॉस साइन 45, और यहां की ओर क्या हो जाएगा? एफ सी बी कॉस 45। अब इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, स्टेप थ्री, कैलकुलेशन का काम। क्या यूज होगा? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज होगी। क्या यूज होगी? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पर यूज होगी? जॉइंट सी पे। क्या होगा कि ये जो जॉइंट है इसमें समिशन ऑफ फोर्स एक्स में भी जीरो होना चाहिए और इसमें समिशन ऑफ फोर्स वाई, तभी तो ये इक्विलिब्रियम। ये जो फोर्स है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, ये आपस में इस जॉइंट सी को बैलेंस करने चाहिए। ये जो 2 kN, ये जो एफ सी बी के 2 कंपोनेंट हैं और ये जो एफ सी डी है, इसको क्या करना चाहिए? बैलेंस। ये जो एफ सी बी कॉस 45, एफ सी डी, एफ सी, ये एफ सी बी के तो कंपोनेंट हो गया, एफ सी बी साइन 45 और 2 kN, ये जो आपके लगे हुए हैं, ये इस जॉइंट सी को कहीं भी हिलने नहीं देना चाहिए। ये कब होगा? जब समिशन ऑफ फोर्स एक्स में जीरो। अब जब समिशन ऑफ फोर्स एक्स में जीरो करेंगे, यानी कि फोर्स एक्स में जीरो होने में इस कब होगा? जब इन दोनों का समीशन क्या होगा? जीरो। इन दोनों का समीशन क्या होगा? जीरो। और इन दोनों का समीशन जीरो करने के लिए मुझे जब भी समीशन लेते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है साइन कन्वेंशन, जब पॉजिटिव की ओर आया तो पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव। अब यहां पर टेंशन और कॉम्प्रेशन को छोड़ दें। जब आप समीशन ऑफ फोर्स की इक्वेशन ले रहे हैं तो आप सिर्फ दायां पॉजिटिव बायां नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, टेंशन और कॉम्प्रेशन को बिल्कुल छोड़ दें। आशीष जो आप बोल रहे हैं ठीक है, उसको बिल्कुल जॉइंट से अवे। हाँ पहाड़ी प्रो, ये जो जॉइंट से अवे, तब आप जब आपका इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप यूज करते हैं, यहीं पर गलती होती है स्टूडेंट्स की, ये गलती को पहचान लें। जब आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे तो ध्यान दें, आप इस साइन कन्वेंशन को छोड़ दें, दैट इज टेंशन और कॉम्प्रेशन को छोड़ दें, फिर
टेंशन और कॉम्प्रेशन का काम सिर्फ इतना ही है कि जॉइंट से बस ये जो पहला और दूसरा स्टेप में अब आपने सिर्फ बाएं पॉजिटिव दाएं नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ये देखना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। अगर यहां पर आप इन दोनों साइन कन्वेंशन को इंटरमिक्स करते हैं सब क्वेश्चन गलत। ये क्लियर रखें संतोष सती। अभी पूरा बताते थे संतोष सती आपको सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अभी पूरा बताते थे संतोष सती बने रहे आप लास्ट तक। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया जो बाएं पॉजिटिव दाएं नेगेटिव दो के दो दाएं लगे हैं कौन कौन से दोनों दाएं लगे हैं दाया लगा है तो नेगेटिव इधर क्यों लग रहा है ना एफ सी बी कॉस 45 एफ सी बी कॉस 45 माइनस एफ सी डी। अब देखें जिसका डाउट था वो सोच रहे होंगे सर ये दोनों तो टेंशन है। जो सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव आ रहा है वो क्या डाउट है वो सोच रहे होंगे ये दोनों तो क्या है पॉजिटिव होने चाहिए टेंशन। मैंने बोला पर इसको यहीं पर ही छोड़ दें टेंशन और कंप्रेशन को। यहां पर साइन कन्वेंशन अलग है दाएं पॉजिटिव बाएं नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ऐसे तो आप इसको भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव ले लेंगे क्या दोनों दूर हैं जॉइंट से क्या ये दोनों पॉजिटिव ले लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है ऊपर की ओर ये क्या है नीचे इन दोनों का समीकरण जीरो होना चाहिए ना आप समझ आया। सो एफ सी बी डी दिस इज इक्वेशन वन। दूसरा एफ वाई इक्वल टू जीरो ऊपर की ओर लगा हुआ है पॉजिटिव एफ सी बी साइन 45 नीचे की ओर लगा है माइनस 2 0। ऐसे तो जो यहां पर अब आपने छोड़ दिया दोनों क्या कर रहे हैं जॉइंट से दूर जा रहे हैं तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे क्या नहीं हम क्या देखेंगे ऊपर की ओर पॉजिटिव नीचे की ओर नेगेटिव। बस यहां से एफ सी बी आ गया एफ सी बी इक्वल टू कितना है आपका 2√2। अगर जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव के आंसर है तो दैट मीन्स आप बिल्कुल सही एज्यूम जो आपने एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही है यानी कि ये जो एफ सी बी में फोर्स है वो क्या है टेंसाइल ही है टेंसाइल फोर्स यानी कि जो मेंबर है ए बी ये कैसा मेंबर है ना सी बी कैसा मेंबर है टाई मेंबर है। अब अगर हम बात करें इसको अभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी से आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी पर अगर मैं सी डी में निकालना चाहूंगा कौन से में ये सी डी मेंबर दिस सी डी मेंबर में तो इस इक्वेशन में रख देंगे इक्वेशन वन में रखेंगे क्या हो जाएगा माइनस एफ सी बी। एफ सी बी क्या होगा अब देखें माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा ही एफ सी बी कितना निकला है 2√2 कॉस 45 मीन्स 1/√2 माइनस एफ सी डी इक्वल टू 0 √2 से √2 कैंसिल आउट दिस इंप्लाइज माइनस एफ सी डी इक्वल टू 2 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2 दिस इंप्लाइज एफ सी डी इक्वल टू क्या हो गया 2 किलो न्यूटन कौन सा 2 किलो न्यूटन माइनस 2 किलो न्यूटन। अब देखें यहां पर माइनस आ गया है ये दिख रहा है माइनस 2 किलो न्यूटन। अब जो ये माइनस 2 किलो न्यूटन आ गया है दैट मीन्स जो आपकी एज्यूम डायरेक्शन थी सी डी के लिए आपने सी डी को टेंशन माना था ये आपने गलत कर दिया था। गलत नहीं किया था होता ऐसी है रिएक्शन अगर आप ऊपर को लेते हैं पॉजिटिव आती है तो ऊपर ही लेते हैं अगर नेगेटिव आ गया तो उसे डाउनवर्ड लेते हैं। तो दैट मीन्स दिस एफ सी डी यानी कि फोर्स इन सी डी इज 2 किलो न्यूटन एंड कैसे नेचर का होगा कॉम्प्रेसिव। बस यही पहला स्टेप जो समझ गए हैं यही सारा चीज है कुछ नहीं है और एफ सी बी इक्वल टू 2√2 किलो न्यूटन टेंसाइल। देखें इस क्वेश्चन से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। अगर डाउट क्लियर है तो ठीक है एक बार में फिर से इन सारे जो अब सी जॉइंट को समझ गया एक बार थम्सअप करते हैं सबके सब जितने लोग बने हुए हैं एक बार थम्सअप। अगर 5 लोग बने हैं 5 लोग 10 लोग बने हैं 10 लोग थम्सअप कर रहे हैं बिल्कुल। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर से एक बार देखें मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है जिसमें हम इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट कंसिडर करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं कि किसी जॉइंट में 2 इक्वेशन लगती हैं और उन जॉइंट पे जो 2 इक्वेशन लगती हैं उन जॉइंट पे आपका क्या होना चाहिए फोर्स का समीशन 0 होना चाहिए। हम क्या करते हैं सबसे पहले वो वाला जॉइंट लेते हैं जहां पर फोर्स 2 हो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी क्या होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है इंटरनल फोर्स भी लगता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं अगर कोई इंक्लाइंड मेंबर है तो उसके कंपोनेंट कर लेते हैं अगर नहीं है तो सिंपल कोई बात नहीं है। अब यहां पर क्या होता है हम एज्यूम करते हैं हमेशा जॉइंट से बाहर की ओर क्या होता है टेंशन और जॉइंट से अंदर की ओर कॉम्प्रेशन। तो हमने पता लगा लिया कि फिर उसके बाद इक्वेशन। अब यहां पर जो साइन कन्वेंशन है उसको छोड़ दें आप
जो दूर है अवे है तो टेंशन करो। अब हम नया साइन कन्वेंशन लेंगे जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे, बाएं पॉजिटिव दाएं नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सॉल्व कर लें, आंसर पॉजिटिव के साथ आ रहा है, आपकी एज्यूम डायरेक्शन सही है, टेंशन अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मींस वो आपका क्या होगा 2 किलो न्यूटन का कॉम्प्रेसिव, यानी कि हो क्या रहा होगा इस जॉइंट सी में, अगर मैं आपको बताऊं इस जॉइंट सी में हो क्या रहा होगा, इस जॉइंट सी में ये जो जॉइंट सी है, इस जॉइंट सी में ये जो मेंबर है ये तो लगा रहा होगा 2 किलो न्यूटन का टेंशन, और ये जो मेंबर है इस जॉइंट में इस तरह से क्या लगा रहा होगा, दैट इज कॉम्प्रेशन, टू रूट टू का ये टेंशन था, 2√2 का टेंशन और ये 2√2 का कॉम्प्रेशन, सी डी दिस इज बी, सो दिस 2√2। तो अब देखें, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, अगर एक मेंबर ये अगर ये जॉइंट सी में खींच रहे हैं तो जॉइंट बी को भी खींचेगा, ये ध्यान रखें। तो एक मेंबर क्या, यहां पर फिर से एक डाउट और, जब नेक्स्ट स्टेप को आप सॉल्व करेंगे तो फिर डाउट हो जाएगा, ये जो जॉइंट बी है और ये जो जॉइंट डी है, ठीक है मैं इतना अभी आपको समझा रहा हूं, तो ये जॉइंट सी को अगर दबा रहा है तो ये जॉइंट डी को भी दबाएगा, यानी कि ये पूरा मेंबर, क्या एक मेंबर कभी आधे में कॉम्प्रेशन और आधे में टेंशन हो सकता है, या तो वो पूरा कॉम्प्रेशन ही होगा या पूरा क्या होगा टेंशन ही, तो ये 2√2 कैसा मेंबर है, टेंशन मेंबर, यानी कि ये कैसा मेंबर है, टाई मेंबर है, और ये कैसा मेंबर है आपका, स्ट्रट मेंबर है। तो मेंबर बीसी इज ए टाई मेंबर एंड मेंबर सीडी इज ए स्ट्रट मेंबर, क्लियर है। तो इसमें लगने वाले जो इंटरनल फोर्स है कितने का, 2√2, इट विल पुल, ये क्या करेगा, पुल करेगा जॉइंट सी को भी और जॉइंट बी को भी, सी बी 2√2, सी डी इज टू, ये 2 किलो न्यूटन निकाला है आपने, तो 2 किलो न्यूटन निकाला है, दैट मीन्स 2 किलो न्यूटन का कॉम्प्रेशन टेंशन, तो ये जो आपका ये, अब जब आप जॉइंट बी को सॉल्व करेंगे तो बी में सॉल्व करने पे जो ये 2√2 है जिसको निकाल चुके हैं, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बी को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो घर में करें, अभी घर में करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं पूरा सॉल्यूशन इसका फोटो खींच के आपको दे दूंगा, ओके। सो बी पे जो आपका फोर्स होगा वो आपका जब 2√2 को आप दिखाएंगे तो जॉइंट से दूर दिखाएंगे, अब जब मैं देखें, अब मैं इसका क्या यूज है, जो मैंने बताया इसका क्या यूज है, देखते जाएं, आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखें, या तो नॉलेज ही ना रखें या रखें तो पूरी रखें, आधा नॉलेज खतरनाक होता है क्योंकि वो निगेटिव मार्क्स करता है और सेलेक्शन से दूर ले जाता है, हमेशा नॉलेज पूरी एंड परफेक्ट रखें। ये जब मैं जॉइंट बी को बनाऊंगा और मैं जॉइंट अगर मैं डी को बनाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो अगर मैं इस बी में, बी सी में जो ये 2√2 है तो 2√2 को मैं ऐसे दिखाऊंगा, 2√2 को, और जबकि जो ये डी में जो फोर्स आ रहा होगा डी सी में, तो डी सी में ये मैं जो फोर्स दिखाऊंगा डी सी में, दैट विल बी लाइक दिस 2 किलो न्यूटन, क्योंकि ये 2 किलो न्यूटन ये सी की ओर, ये सी था इस तरह से। तो जब मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो बी में 2√2 ऐसे दिखाऊंगा और ये डी में 2 किलो न्यूटन ऐसे दिखाऊंगा अंदर की ओर, ये कहाँ है, बाहर की ओर, ये जो पॉइंट है जो समझ गए हैं, यही सारा आपका एनालिसिस ऑफ ट्रस है, ओके। एक्सियल डायग्राम, दिस इज एक्सियल डायग्राम, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। सो ट्रस वाला चैप्टर सबको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत हमें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे, मेथड ऑफ सेक्शन करेंगे, कल को हम क्या करेंगे, शॉर्टकट, ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया आज आपको ट्रस के, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया होगा तो एक बार बिल्कुल थम्सअप कर दें और इसी तरह से लाइक शेयर करते रहे और जुड़े रहे, बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लेके आने वाले हैं, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे, ओके। सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू जितेंद्र, बिल्कुल बने हुए थे लास्ट तक, कुलवीर सिंह बिल्कुल, ऋषभ तिवारी, ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट, सुमित जोशी काफ़ी अच्छा आपका, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके।